दोस्तों, क्राइम की दुनिया के पहले वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेसिका पटेल और मितेश पटेल जो कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड लगभग एक जैसा था। वे एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। वे कॉलेज खत्म होने के बाद एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला करते हैं। जेसिका और मितेश एक दूसरे को इतना प्यार करते थे कि जब वे एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तभी एक बार जेसिका की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। तब मितेश उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास आ गया। इससे जेसिका के माता पिता को पूरा भरोसा हो गया कि मितेश उनकी बेटी का बहुत ख्याल रखेगा और उसे खुश भी रखेगा। बस फिर क्या था, फार्मासिस्ट की पढ़ाई करने के बाद जो जेसिका और मितेश पटेल ने जुलाई 2009 में बड़े ही धूमधाम से शादी कर ली, जिसमें दोनों परिवार के सदस्य शामिल हुए थे। दोनों के परिवार वाले उनकी शादी के बाद बहुत खुश थे, क्योंकि जेसिका को एक लविंग हस्बैंड मिल गया था जो उसके लिए और उसके परिवार के लिए अच्छा था। वहीं मितेश के परिवार को एक पढ़ी लिखी और समझदार बहू मिल गई थी जो उसके परिवार के लिए बेहद गर्व का विषय था। शादी करने के बाद दोनों लिनथोर्प मिडिल्सब्रो में शिफ्ट हो गए थे और उन्होंने रोमन रोड जैसे बीजी स्ट्रीट में एक बड़ी फार्मेसी खोली। यहां उनकी ये फार्मेसी काफी तेजी से आगे बढ़ने लगी थी और शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने अपनी फार्मेसी के पास ही अपने भविष्य के लिए एक सुंदर सा घर भी खरीदा और यहाँ पर वो काफी खुशहाल जिंदगी जीने लगे। वो अपनी वाइफ को बहुत चाहता था और उसके परिवार वाले, दोस्त और रिश्तेदार उसे एक केयरिंग हस्बैंड के रूप में जानते थे। लेकिन आखिर इतना सब होने के बावजूद मितेश अपनी वाइफ के लिए उसकी जान का दुश्मन कैसे बन जाता है? वो आखिर इस तरह की घटना को क्यों अंजाम देता है? आज की इस वीडियो में हम ऐसे क्राइम केस के बारे में चर्चा करेंगे जिसने पूरे ब्रिटेन के अलावा दुनिया में जिसने भी इस केस को सुना उन सभी को हिला कर रख दिया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जेसिका लोगों की मदद करना चाहती थी। वो बेहद दयालु स्वभाव की थी और सबको खुश देखना चाहती थी। वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जिससे लोगों की मदद की जा सके, इसलिए उसने फार्मासिस्ट का कोर्स चुना, जिसके लिए उसने डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी। इसके बाद उसने मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मेडिकल के फील्ड में ही आगे की पढ़ाई जारी रखी। हालांकि इसी बीच डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय उसे मितेश पटेल से प्यार हो गया, जिसमें वो सब दिखाई देने लगा जैसा कि वो अपने सपने के राजकुमार के लिए सोचा करती थी। जेसिका अपने घर में 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। दरअसल 2 उसकी सगी बहनें थीं और 3 उसके चचेरे भाई थे और वे सभी जेसिका से उम्र में छोटे थे, पर एक संयुक्त परिवार में रहने के कारण उनका पालन पोषण सगे भाई बहनों की तरह ही हुआ करता था। वे सभी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और जेसिका की हर एक बात को बेहद संजीदगी से लेते थे। जेसिका का भी हर एक शादीशुदा महिला की तरह सपना था कि वो एक बच्चे की मां बने, पर उसके लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि उनको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी। पर IVF तकनीक के जरिए उनका ये सपना साकार हो सकता था, लेकिन यहां भी उनका रास्ता काफी कठिन था क्योंकि पहले 3 IVF अटेम्प्ट्स अनसक्सेसफुल रहे थे, पर चौथे प्रयास में उनका वो सपना साकार होने वाला था, जिसके लिए जेसिका और मितेश ने फ्रोजन एम्ब्रियो को डार्लिंगटन क्लिनिक में सेव कराया था। पर वो एम्ब्रियो जैसे ही गर्भाशय में डिस्प्ले किया ही जाने वाला था कि उसके पहले ही जेसिका की मौत हो जाती है। बात है 14 मई 2018 की, जब सब कुछ सामान्य था। मिडिल्सब्रो लिनथोर्प की एक गली में हर रोज की तरह वही चहल पहल थी और जेसिका अपनी फार्मेसी में चली जाती है और वहां काम करने वाले लोग सुबह सुबह उसे काफी खुश देखते हैं और उसके पिता भी अपने बेटी को देखकर खुश हो जाते हैं। लेकिन उसके पिता को क्या पता था कि अपनी बेटी को वो आखिरी बार मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। 14 मई 2018 को 999 पर 8:22 पर ब्रिटेन के मिडिल्सब्रो एरिया के इमरजेंसी हेल्पलाइन में एक कॉल आती है। कॉल करने वाला व्यक्ति काफी घबराया हुआ होता है। उसकी बातें सुनकर शुरू में कॉल ऑपरेटर भी घबरा जाते हैं और उसको तुरंत मदद का आश्वासन देते हैं। वो पुलिस को बताता है कि जैसे ही वो खाने का सामान और लैपटॉप लेकर घर में घुसता है, वैसे ही वो अपनी वाइफ को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है। मितेश पुलिस को बताता है कि उसके घर में चोरी हो गई है और घर में सारा सामान बिखरा पड़ा है। चोरी करने वाले व्यक्ति ने उसके वाइफ को मारने का प्रयास किया है।
और उसके मुंह और हाथ पैर को डक्ट टेप से बांध दिया है। 999 इमरजेंसी सर्विस के कॉल ऑपरेटर ने तुरंत उसे अपने वाइफ के मुंह से उस डक्ट टेप को हटाने को कहता है। इसके बाद वो मितेश से पूछते हैं कि क्या उसकी वाइफ की सांसें चल रही हैं। मितेश कहता है, नहीं, क्योंकि इसके पूरे शरीर में डक्ट टेप लगा हुआ है और वो कुछ भी महसूस नहीं कर सकता, पर उसके हाथ ठंडे हैं। इसके अलावा मैं बताता है कि उसके वाइफ की नाक से खून बह रहा है और वह फर्श में चारों तरफ फैला पड़ा है और उसके गले में चोट के निशान हैं। मितेश इमरजेंसी सर्विस से बात करने के दौरान रोते हुए अपनी वाइफ से बोलता है, कम ऑन जेस, वेक अप बेबी। पर जेसिका जमीन पर बिल्कुल अचेत पड़ी थी और उसके शरीर से कोई हरकत भी नहीं हो रही थी। इसी बीच 999 सर्विस का ऑपरेटर मितेश से पूछता है कि आप कितने समय तक घर से बाहर गए थे। मितेश बताता है कि मैं 1 घंटे के लिए बाहर गया था। कॉल ऑपरेटर तुरंत मितेश से डक्ट टेप को हटाने के लिए बोलता है। पुलिस तुरंत उसे मदद का आश्वासन देती है और 2 मिनट के अंदर ही एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विस की गाड़ियां उसके दरवाजे पर आ जाती हैं। इमरजेंसी ऑपरेटर उनसे कहता है कि आपके पास अभी कोई और आदमी मौजूद है। वो कहता है कि अभी मैं अकेला हूं। तभी ऑपरेटर कहता है, आपके दरवाजे पर पुलिस आ चुकी है, मैं आपको उनके साथ छोड़ रहा हूं। इस तरह का उस एरिया में पहला केस था। इसके पहले इस तरह की कोई भी घटना सुनने को नहीं मिली थी। पुलिस जैसे ही मितेश के घर पहुंचती है तो उसे घर का सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है और जगह जगह कीमती सामान टूटा हुआ पड़ा था। पुलिस ने बताया, घर में घुसने के बाद यह साफ साफ पता चल रहा था कि घर आने वाला शख्स जेसिका की जान पहचान का ही था, क्योंकि जबरदस्ती घर में घुसने के कोई संकेत नहीं मिल रहे थे। पुलिस की पूछताछ में मितेश ने बताया कि जेसिका 7 बजे के आसपास फार्मेसी से लौटी थी, तब मैं पिज्जा लेने के लिए बाहर चला गया, पर जब आधे घंटे बाद पिज्जा लेकर वापस आया तो देखा कि जेसिका जमीन पर पड़ी है और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। इसके बाद ही पुलिस सारे घर की तहकीकात चालू करती है, जिसमें जेसिका का मोबाइल फोन गायब मिलता है, पर कुछ ही दूरी पर वो फोन डस्टबिन में पड़ा हुआ था। जब घर में लगी सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि उसका हार्ड डिस्क कैमरे से डिस्कनेक्टेड था। जब पुलिस मितेश से गायब हुए सामानों के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि ड्रॉर्स में उसके काफी सारे गहने रखी थी, वे सभी मिसिंग हैं। पुलिस सबसे पहले इस केस को सुलझाने के लिए जेसिका के मोबाइल डेटा की गहनता से जांच करती है। इसके साथ ही मितेश का मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिया जाता है। दोनों मोबाइल की डेटा एनालिसिस करने पर पता चलता है कि जेसिका और मितेश हेल्थ नाम के ऐप इस्तेमाल किया करते थे, जिसके अनुसार जेसिका 7:10 पर घर में दाखिल हुई थी और उसके बाद उस ऐप में 0 एक्टिविटी शो हो रही थी, पर कुछ ही समय बाद उसके मोबाइल पर 14 स्टेप्स काउंट होते हैं और इसके बाद कोई भी स्टेप शो नहीं हो रहा था। इसके अलावा इस ऐप में वो एक्टिविटी भी रिकॉर्ड हुई थी जब पुलिस ने फोन को वहां कुछ ही दूरी पर रखी हुई डस्टबिन से उठाया था। जेसिका के फोन का डेटा एनालिसिस करने के बाद मितेश के फोन का डेटा भी खंगाला गया। इससे पता चलता है कि जिस समय से जेसिका के फोन की एक्टिविटी 0 दिखा रहा था, उसी समय मितेश के फोन की एक्टिविटी अचानक से बढ़ गई थी, जिसमें 7:30 से लेकर अगले 10 मिनट तक मितेश घर में इधर उधर भाग रहा था। पूछताछ में पुलिस को यह भी पता चला कि इमरजेंसी हेल्पलाइन में फोन करने से पहले वो छत पर भी गया था। दरअसल वो हत्या से पहले सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क को गायब करना भूल गया था। तभी अचानक से उसे याद आता है कि वो हार्ड डिस्क को तो छिपाना ही भूल गया है। पुलिस की जांच में अगले 2 दिनों में ही वो हार्ड डिस्क मिल जाती है। साथ ही साथ जो भी सामान वो गायब होने का दावा कर रहा था, वो सभी सामान जैसे गहने और रुपए, वो सभी एक सूटकेस में मिल जाते हैं। जब पुलिस सीसीटीवी की फुटेज की पड़ताल की तो पता चला कि 7:10 पर जेसिका घर वापस आई थी, पर मितेश पहले से ही घर में मौजूद था। 7:40 पर वो पिज्जा लेने के लिए घर से बाहर जाता है और जब उस पिज्जा स्टोर का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो उसमें भी यही बात सामने आई कि 8 बजे वो पिज्जा स्टोर में ही मौजूद था और 8:20 पर वो घर पहुंचता है। इसी बीच फार्मेसी से अपना लैपटॉप लेने जाता है, जहां वो उस दिन घर लाने के लिए भूल गया था। घर पहुंचने के ठीक 2 मिनट बाद
जब वो सीसीटीवी की हार्ड डिस्क छिपा देता है तब वो पुलिस इमरजेंसी 999 में कॉल करता है और चोरी की मनगढ़ंत बातें गढ़ता है। शुरुआती जांच में पुलिस और आसपास के लोगों को भी लगता है कि घर में चोरी हुई है और बदमाशों ने मितेश पटेल की वाइफ जेसिका पटेल को मौत के घाट उतार दिया है। पर बात कुछ और थी जो परत दर परत पुलिस द्वारा जांच करने में सामने आती है। दरअसल 37 साल का मितेश पटेल अपनी 34 साल की वाइफ जेसिका पटेल की हत्या कर देता है और पुलिस को फोन करके लूटपाट होने का नाटक करता है। मितेश जेसिका को मारने से पहले उसे इंसुलिन के ओवरडोज देता है जिससे जेसिका बेहोश हो जाती है और इसके बाद वो जेसिका के चेहरे हाथ और पैर को डक्ट टेप से बांध देता है। इसके कारण दम घुटने से कुछ ही मिनटों में मासूम जेसिका की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। मर्डर करने के बाद मितेश फार्मेसी से अपना लैपटॉप लेने जाता है। फार्मेसी में काम करने वाले एक एम्प्लॉय ने बताया कि उस दिन मितेश का व्यवहार काफी एबनॉर्मल लग रहा था क्योंकि पहले जब भी मितेश उससे मिलता था वो पहले उससे हाथ मिलाया करता था, पर इस बार मितेश ने उससे हाथ नहीं मिलाया और वो काफी घबराया हुआ भी लग रहा था जो कि आश्चर्यचकित करने वाला था। इसी बीच जब उसने गौर से मितेश की तरफ देखा तो उसके गर्दन में 3 निशान थे जिसे ये पता चलता है कि उसके ये निशान जेसिका के साथ संघर्ष करने के दौरान हुए होंगे। दरअसल मितेश शुरू से ही एक गे था और वो जेसिका के साथ उसकी रिलेशनशिप सिर्फ दिखावटी थी। उसने अपने परिवार और समाज के डर से जेसिका के साथ शादी का स्वांग रचा था पर वो असल में जेसिका को बिल्कुल भी नहीं चाहता था। शादी के बाद भी मितेश डेटिंग ऐप ग्राइंडर पर अक्सर कई लोगों से चैटिंग किया करता था और वो अपनी रोमन रोड स्थित फार्मेसी में भी अक्सर अपने गे साथियों से मिलते हुए दिख जाता था जिसका खुलासा उसके साथ काम करने वाले लोगों ने किया जो कि बाद में सीसीटीवी फुटेज में प्रमाणित भी हुआ। एक पड़ोसी ने जांच करने वाले अधिकारी को बताया कि मर्डर के एक हफ्ते पहले मितेश और वो जब एरिया की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात कर रहे थे तो बातों बातों में उसने अपनी वाइफ को स्टूपिड कहा था। पड़ोसी ने बताया कि मितेश उससे कह रहा था कि उसकी वाइफ घर का दरवाजा ऐसे ही खुला छोड़ देती है, देख लेना किसी दिन चोरों द्वारा उसका मर्डर कर दिया जाएगा, जिसको वे लोग जेस के मर्डर से लिंक कर रहे थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि वो गूगल में पिछले 5 सालों में इससे रिलेटेड कीवर्ड्स सर्च कर रहा था जैसे हाउ टू कमिट द परफेक्ट मर्डर, प्लॉट माय वाइफ्स मर्डर, हाउ टू हायर अ हिटमैन, हाउ टू किल माय वाइफ एटसेट्रा। इसके अलावा मितेश की डार्क वेब के माध्यम से एक सुपारी किलर से भी बात हुई। गूगल सर्च हिस्ट्री में पता चला कि उसने ये भी सर्च किया था कि गला दबाने के बाद तो कोई आदमी कितने समय तक जिंदा रहता है। जेसिका की छोटी बहन ने बताया कि दिसंबर 2012 में उसने मितेश और उसके एक गे पार्टनर के बीच चैट मैसेज देखे थे जो कि ये बताता है कि वो अपनी गे रिलेशनशिप को कितनी सीरियसली लेता था। उसकी बहन जेसिका को भी मितेश की उसकी सारी हरकतों के बारे में पता था और वो इसका विरोध भी किया करती थी जिसके कारण वो उसकी बहन से बहुत चिढ़ता था। शादी के थोड़े समय बाद ही मितेश का असली रंग जेसिका के सामने आ जाता है जब जेसिका के ग्रैंडफादर बीमार पड़ जाते हैं और वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहे होते हैं। जेसिका चाहती है कि वो अपनी ग्रैंडफादर के साथ उनके अंतिम दिनों में रहे लेकिन मितेश उसको नहीं जाने देता है। एक दिन वे दोनों कार से कहीं जा रहे थे और इसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा हो जाता है जिस पर वो जेसिका के ऊपर हमला कर देता है और वो उसको मोबाइल फोन भी फेंक कर मारता है जिससे वो घायल हो जाती है और पैर पर चोट लगने के कारण वो सही से चल भी नहीं पाती है। फार्मेसी में काम करने वाले लोगों ने बताया कि जेसिका के साथ उसका बिहेवियर काफी रूड और एरोगेंट था। एक दिन अचानक किसी बात को लेकर मितेश का जेसिका से फार्मेसी पर झगड़ा हो गया, फिर उसने जेसिका के साथ मारपीट की। मितेश के अत्याचारों से लगातार जेसिका का वजन कम हो रहा था और वो अपने साथ घटित हो रही इन सारी चीजों से काफी उदास भी रहने लगी थी। जेसिका अक्सर अपनी बहन से मितेश के साथ रिश्तों के बारे में चर्चा किया करती थी और शादी के बाद एक बार उसने उसे बताया था कि मितेश शादी के कई महीनों बाद भी मितेश उसके साथ एक बार भी फिजिकल नहीं हुआ है। मितेश ज्यादातर टाइम अपना फोन चलाता था और जब जेसिका
जब भी अपने कमरे में आती है तो वो कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में चला जाता था। यहां तक कि उसने अपने गे पार्टनर से फोन पर बातें करने और उनसे मिलने के लिए अपना एक अलग कमरा भी बना लिया था, जहां पर वो रात भर चैटिंग और फोन पर बातें करता था। यहां तक कि वो टॉयलेट जाते समय भी अपने फोन अपने साथ रखता था, जिससे जेसिका को उसकी हरकतों के बारे में कुछ ना पता चल सके। मितेश अपनी गे रिलेशनशिप को इतनी सीरियसली लेता था कि वो चुपचाप रूप से ऐसे ड्रग्स का सेवन करता था जिससे कि स्पर्म काउंट कम किया जा सके और जैस स्वाभाविक रूप से गर्भधारण ना कर सके। मितेश जेसिका को फोर्स कर रहा था कि वो IVF ट्रीटमेंट के जरिए मां बने, क्योंकि मितेश डॉक्टर अमित पटेल नामक अपने गे पार्टनर से पहले ही संपर्क में था, जो कि कुछ समय पहले ब्रिटेन छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चला गया था। मितेश भी ऑस्ट्रेलिया जाकर उसके साथ अपनी नई जिंदगी बसाना चाहता था। इसके अलावा जेसिका के मरने के कुछ समय पहले ही उसने जेसिका का 2 मिलियन पाउंड यानी लगभग 18 करोड़ रुपए का बीमा कराया था। वो जेसिका की लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के महंगे खर्च को भी आसानी से झेल सकता था, लेकिन वो गे पार्टनर अमित के साथ रिलेशनशिप में इतना पागल हो गया था कि वो ये भूल बैठा था कि किसी की जिंदगी लेकर अपनी जिंदगी सुखचैन के साथ कैसे जी सकता था। दरअसल ये सारी चीजें साजिश के तहत कर रहा था, क्योंकि वो जेसिका को मारकर इन पैसों को लेकर ऑस्ट्रेलिया भागना चाहता था और IVF के जरिए संरक्षित किए गए अंडे के जरिए वो एक सरोगेसी मेथड से एक बच्चा पाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था। शुरू में जैस IVF के लिए तैयार नहीं थी, पर मितेश द्वारा काफी फोर्स करने के बाद जेसिका IVF तकनीक द्वारा अप्रैल 2016 में मां बनने के लिए तैयार हो जाती है। मितेश ने मासूम जेसिका को मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जिसका अंदाजा जेसिका को भी नहीं रहा होगा कि एक दिन उसका पति उसके साथ ऐसा कर सकता है। मितेश ने जेसिका के साथ इस तरह की हैवानियत की थी कि उसके शरीर पर 4 लेयर टेप लगाई गई थी, जिससे उसको बचने के लिए कोई भी मौका ना मिल पाए। जेसिका के इस दुनिया से अलविदा कहने के 32 घंटे तक वहां की पुलिस को कुछ पता नहीं था कि आखिर जेसिका का हत्यारा कौन है। आखिर ठीक 32 घंटे बाद वहां के लोकल पुलिस द्वारा प्रेस को यह जानकारी दी जाती है कि हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी उम्र 37 साल है। पर जेसिका के परिवार वालों को अभी भी नहीं पता था कि वो 37 वर्षीय आदमी कोई और नहीं बल्कि जेसिका का पति मितेश पटेल ही है। फिर जेसिका के पिता को पुलिस सूचित करती है कि उसको मारने वाला कोई और बाहरी शख्स नहीं है बल्कि उसका खुद का सन इन लॉ ही है। ये सुनकर जेसिका के पिता बिल्कुल निशब्द थे, एक पल के लिए उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जेसिका के गर्दन पर नाखून के कई निशान थे, जिनको पुलिस ने मितेश के DNA से मैच कराया। इसके अलावा जेसिका के हाथ और पैर में बांधे गए टेप और हत्या में प्रयुक्त किए गए प्लास्टिक बैग में भी उसका DNA पाया गया। हालांकि उसने कोर्ट को यह बताकर गुमराह करने की कोशिश की कि उसने पुलिस के कहने पर टेप को जेसिका के शरीर से हटाने का प्रयास किया था। हालांकि कोर्ट के पास पर्याप्त सबूत थे कि मितेश का दोष सिद्ध किया जा सके और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। पुलिस ने जब तहकीकात की तो वही टेप उनको मितेश की फार्मेसी से मिला, जो उसने जेसिका को बांधने के लिए प्रयुक्त किया था। दरअसल उसने ये डक्ट टेप जेसिका को मारने के बाद अपना लैपटॉप उठाने वक्त फार्मेसी में रख आया था। जेसिका की बहन मीनाल ने बताया, जब वो अपनी बहन की मौत के बाद मितेश से पहली बार मिली थी तो मितेश ने अपना सर उसके कंधों पर रख दिया था और वैसे जोर जोर से रोने लगा, जिससे मीनाल उसे सांत्वना देने लगी। पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वही इंसान उसकी बहन का कातिल है। उसने जेसिका के पिता के हाथ अपने उन्हीं हाथों में थाम लिए थे जिनसे उसने उसकी बेटी का मर्डर किया था। उसने जेसिका को मारने के बाद जेसिका के सभी परिवार वालों के साथ घड़ियाली आंसू बहाए, पर पुलिस की जांच तक जेसिका के परिवार वाले उसको सच मानते रहे और उनको रत्ती भर भी विश्वास नहीं हुआ कि मितेश जेसिका के साथ ऐसा कुछ भी कर सकता है। जेसिका की छोटी बहन दिव्या ने 15 मई की सुबह को याद करते हुए कोर्ट में एक बेहद मार्मिक संदेश पढ़ा।
उसने इस दिन को याद करते हुए बताया जब उसके पति हत्या की अगली सुबह उदास बैठे थे तो उन्होंने मुझसे बताया कि जेस अब हमारे बीच नहीं है। तो एक पल के लिए हम सबको विश्वास नहीं हुआ, पर जब अपने पिता को फोन किया तो उन्होंने भी यही बात बताई। तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, पर अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जेसिका अब सच में कभी लौट कर नहीं आएगी। वो हम सबको अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली गई है। जब वो अगले दिन मर्चरी में गई तो जैसे ही कांच की खिड़की से दूसरी तरफ देखा तो मेरी प्यारी बहन जेसिका सच में अचेत पड़ी थी। तब वो ये सब देखकर फूट फूट कर रोने लगी। जेसिका उस व्यक्ति के हाथों मारी गई थी जिसके हाथों में उसने अपनी सारी जिंदगी समर्पित कर दी थी। वो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से लोगों से प्यार करती थी और वो जितना बाहर से खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरती उसके दिल में थी। आखिरकार अब मितेश को उसके किए की सजा देने का वक्त आ चुका था। तारीख थी 5 दिसंबर 2018 की, जब ब्रिटेन की अदालत में 3 घंटे तक सुनवाई हुई जिसमें जेसिका की बहन दिव्या ने परिवार की तरफ से सारे स्टेटमेंट्स पढ़े और जेसिका के द्वारा आखिरी वक्त में किए गए अपनी जिंदगी को बचाने के लिए किए गए संघर्षों और सहे कष्टों को कोर्ट के सामने रखा, जिसे जूरी ने बहुत ही संजीदगी से विचार किया और अंत में इसे ऑनर किलिंग मानकर हेनस क्राइम की श्रेणी में रखा और इसे कम से कम 30 साल तक जेल में रहने की कठोर से कठोर सजा सुनाई। ब्रिटेन की कोर्ट में ये अपनी तरह का एक पहला ऐसा केस था जिसमें दोषी तक पहुंचने के लिए मोबाइल ऐप का सहारा लिया गया था। मितेश ने भी कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया कि उसकी कम्युनिटी में गे मैरिज को काफी खराब माना जाता है और उसने परिवार और अपनी कम्युनिटी से बचने के लिए जेसिका से झूठी शादी की थी, पर वो हमेशा से ही गे था। हालांकि इस केस के बाद ब्रिटेन की अदालत और वहां की सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। जेसिका के परिवार वालों और माता पिता के लिए ये सबसे बुरे सपनों में से एक था जिसे वो सोच भी नहीं सकते थे। जेसिका तो अब दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसके दोस्त, रिश्तेदार, माता पिता अब सिर्फ उसकी यादों को बयां कर रहे थे, जिससे ये पता चलता है कि वो सब की कितनी चहेती थी। उसने कितनी बेरहमी से जेसिका को मारा था ये जेसिका के अलावा और कोई नहीं जानता है। पर अपने इस दर्द को बताने के लिए अब वो इस जालिम दुनिया में मौजूद ही नहीं थी। उसकी खूबसूरत मुस्कान, उसका दिल जीतने वाला स्वभाव और प्यारी सी मासूमियत का दूसरों से कोई मुकाबला नहीं था। वो अद्भुत थी, वो अकल्पनीय थी, पर अब वो हमारे बीच नहीं थी। दोस्तों, निर्दोष जेसिका तो अब कभी वापस नहीं आ सकती हैं, पर वो अपने अधूरे सपने छोड़कर किसी दूसरी दुनिया में चली गई। उसके परिवार वालों, दोस्तों, उसके चाहने वालों और हम सब के लिए उसकी बहुमूल्य यादें ही शेष बची हैं। दोस्तों, कमेंट करके ये जरूर बताएं कि क्या जेसिका के हत्यारे पति को कोर्ट द्वारा दी गई कम से कम 30 साल की सजा पर्याप्त थी, या उसके पति मितेश को इस घिनौने काम के लिए सजाए मौत के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं। और क्या ब्रिटेन पुलिस और वहां की कोर्ट के काम से खुश हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दें। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले हम आपसे एक अपील करना चाहते हैं कि नया चैनल होने के कारण यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें अपने हिसाब से हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे हम आपको रिसर्च करके बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा सकें। दोस्तों, UPI का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपका छोटा सा सहयोग हमारा बहुत मनोबल बढ़ाने का काम करेगा। दोस्तों, ऐसे ही क्राइम की दुनिया से जुड़े मुद्दों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले हर एक नए वीडियो की खबर मिलती रहे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।